हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी। आज फिर से मैं आप लोग के लिए ब्यूटीफुल सा हेयर स्टाइल लेके आ गई हूँ, वो भी लंबे बालों में। तो छोटे बालों की वीडियोस बहुत ज़्यादा अपलोड हो चुकी हैं चैनल पे, तो आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपके बाल छोटे हैं, पतले हल्के हैं, तो उस पर ट्राई कर लीजिएगा। कल भी बताया था मैंने, वो भी पतले हल्के बालों के लिए बेस्ट रहेगा। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके वीडियो चेकआउट कर लीजिए, एंड एंड स्क्रीन पर भी आपको शो हो जाएगा, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हो। तो आज का जो हेयर स्टाइल है उसको मैं फ्रंट एंड बैक दोनों बताऊंगी। तो आपको सबसे पहले आपको इस तरीके से कॉम कर लेना है बालों में। तो मैं ये वाला जो हेयर स्टाइल है वो मिडिल पार्टीशन से बता रही हूँ, बहुत सिंपल एंड इजी तरीके से आप बना लोगे। थोड़ा सा कैमरा पास ले आते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे आपको हेयर स्टाइल जो है वो, एंड नीचे कर लेते हैं कैमरे को ताकि हमारी डमी जो है वो भी आपको दिखाई दे। ओके, तो इधर घूम जाओ डमी आप, एंड इस तरीके से सेंटर पार्टीशन करनी है, एंड ईयर टू ईयर पार्टीशन कर लेंगे। जो फ्रंट का हेयर है उसको हम लोग बाद में कैसे करना है वो बताऊंगी। तो दोनों साइड से ईयर टू ईयर पार्टीशन ले लेंगे इस तरीके से। ओके, अब बैक साइड के हेयर पे काम करेंगे। बैक साइड का हेयर जो है, तो यहाँ पे जैसे अगर आपके बाल लंबे लंबे हैं तो आपको यहाँ पे डोनेट बन वगैरह यूज करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, एंड बहुत ब्यूटीफुल सा हेयर स्टाइल जो है वो बन के आने वाला है। तो वीडियो एंड तक देखते रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा बिल्कुल भी। आई होप कि दिख रहा हो अच्छे से आपको। ओके, अब आपको एक रबर बैंड चाहिए, तो मैंने यहाँ पे हाथ में ही लगाया हुआ है, इसको लगा दे रही हूँ। अच्छे से टाइटली रबर बैंड को लगा लेंगे। ओके, रबर बैंड को लगाने के बाद से आपको इस तरीके से थोड़ा सा लूज करना है रबर बैंड को, एंड इस तरीके से हॉल करेंगे इसके अंदर, ये देखिए। और जो पूरा पोनी का हेयर है इसके अंदर से ऐसे खींच लेंगे। ओके, नीचे की तरफ खींच लिया, अब इसको टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद से, वैसे तो ये अच्छे से टाइट हो गया, बट जो सेंटर का पार्ट होता है क्राउन एरिया पे, थोड़ा सा इसको खींच लेंगे जिससे कि क्राउन एरिया पे फ्लैट लुक ना आए और जो हेयर स्टाइल है वो काफ़ी अच्छा दिखे। तो ऐसे खींच लिया हमने। अब जो ये हमारा हेयर बचा हुआ है इसमें हम लोग चोटी बनाएंगे, खजूरी चोटी या फिर फाइव मिनट चोटी। फाइव मिनट चोटी कैसे बनती है वो ध्यान से देखिएगा। जैसे कल हमने फोर मिनट चोटी के साथ जो जुड़ा बताया था, आज उसको फाइव मिनट चोटी के साथ बनाएंगे। फोर मिनट के लिए हम लोग फोर लेयर लिए थे, ये वाला लेयर एक था और ये बाकी हमारे तीन थे, बट हमको इसमें फाइव मिनट चोटी में दोनों साइड से लेयर ले लेना है, एंड जो बीच का हेयर है, बीच वाला जो हेयर है इनको थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये दो लेयर मैंने छोड़ दिया यहाँ पे, ये देखिए दो लेयर हमने छोड़ दिया यहाँ पे। अब जो सेंटर वाला पार्टीशन है इसमें थ्री लेयर करेंगे। थ्री लेयर करके जैसे हम लोग सिंपल चोटी गूंथते हैं वैसे इसको गूंथ लेंगे। सिंपल चोटी जैसे हमने बना लिया यहाँ पे, ये देखिए। अब जो हमारा ये दोनों लेयर छोड़ा हुआ है, इस साइड वाला लेयर लेंगे और इसको, ये जो हमारा एक लेयर है उसके नीचे से लेके जाएंगे और इसके ऊपर रख देंगे, जैसे हम लोगों ने फोर मिनट चोटी में किया था, सेम दूसरे वाले लेयर के साथ करेंगे और ऐसे ही पूरा चोटी जो है उसको बनाएंगे, जिससे कि हमारे अगर बहुत पतले बाल हैं तो भी उसमें थोड़ा वॉल्यूम आ जाए और जो हम लोग बन बनाएं तो वो काफ़ी अच्छा दिखे। ठीक है, इसी तरीके से नीचे से ला ला के एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे एंड तक पूरा, और एंड पार्ट पे एक रबड़ बैंड जरूर लगाइएगा जिससे कि आपका जो हेयर स्टाइल है वो खुल ना जाए बीच में, या फिर जब हम लोग जैसा परफेक्ट चाहते हैं वैसा बने एकदम। ओके, तो यहाँ पे मैंने रबड़ बैंड लगा दिया है। अब इसको जो हमारा ये हेयर है उसको ऐसे खींच लेंगे ताकि जो लुक है वो परफेक्ट आए। इसके बाद इसको धीरे धीरे ऐसे घुमाएंगे,
और यहाँ पे लेके जाएंगे एंड यू पिन की मदद से इसको अच्छे से सिक्योर करेंगे। यू पिन बॉबी क्लिप जिससे आपको इजी लगे आप उससे इसको अच्छे से सिक्योर कर लेना। थोड़े से ज़्यादा यू पिन की एंड बॉबी क्लिप्स की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे आपको, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप पहले से अपने पास बॉबी क्लिप्स या यू क्लिप्स रखे हैं ताकि बनाते टाइम आपको दिक्कत ना आए। वाओ, तो ये लो बन हेयर स्टाइल है, लहंगे के साथ बना सकते हो, साड़ी के साथ बना सकते हो एंड जो भी आप ड्रेस डाल रहे हो इंडियन वेयर में, ध्यान दीजिएगा जो आपका रबर बैंड है वो अच्छे से हाइड हो जाए। इस तरीके से पूरा इसको क्लिप की मदद से सिक्योर कर लीजिए अच्छे से, और जहाँ से भी आपका हेयर रबर बैंड दिख रहा है उसको अच्छे से हाइड कर दीजिएगा। और ये देखिए काफ़ी प्यारा लग रहा है, आप सिंपल लुक के साथ भी इसको बना सकते हो। अब हमारा साइड वाले हेयर पे काम करने की बारी आती है, तो साइड वाले हेयर को ओपन कर लेंगे पहले अच्छे से कॉम करेंगे, कहीं से भी उलझन नहीं रहनी चाहिए नहीं तो बाद में इसको बनाने में दिक्कत आ सकती है। खुद के बालों पे इतना बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैंने सोचा डमी के साथ भी शेयर किया जाए हेयर स्टाइल, अमेजिंग हेयर स्टाइल देखने के लिए। तो यहाँ से आपको सिंपली थोड़ा थोड़ा हेयर लेना है थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और जैसे हम लोग चोटी बनाते हैं वैसे ही बनाते जाएंगे यहाँ पे। बस ध्यान दीजिएगा दोनों साइड से लेयर को थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना है इसमें, इधर से भी एंड इधर से भी। साड़ी के लिए, गाउन के लिए, लहंगा के लिए, वेडिंग सीजन है, पार्टी है, आपके बाल लंबे हैं और आप खूबसूरत सा लुक चाहते हो तो ये हेयर स्टाइल ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान तरीके से बहुत स्टाइलिश दिखता है। तो इतना तो हमने बना लिया है, ओके। इसके बाद जो लास्ट वाला पार्ट हम लोग बनाएंगे इसको थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे चोटी के साथ। ब्राइडल वगैरह पे भी आप ये ट्राई कर सकते हो दुल्हन के लिए। एंड तक पूरा गूंथना है, थोड़ा थोड़ा हेयर ऐड करते जाइए। पूरा एंड तक बनाएंगे, बैक साइड का भी बहुत प्यारा लग रहा है जो जूड़ा है, चोटी है, चोटी के साथ जो हमने जूड़ा बनाया है वो भी बहुत प्यारा और स्टाइलिश लग रहा है। पूरा एंड तक गूंथ लेंगे। अब गूंथने के बाद इसको सिंपली ऊपर की तरफ से लेके जाएंगे, जो हमने बन बनाया हुआ है ऊपर की तरफ से लेके जाएंगे और दूसरी साइड से लेके आएंगे और बन के अंदर की तरफ इंसर्ट करते हुए यू पिन की मदद से इसको सिक्योर कर देंगे। वाओ, साइड से कुछ इस तरीके का लुक आएगा इसका। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड करेंगे। तो दूसरी साइड भी बना लेती हूँ मैं। आपको इसी तरीके की इंटरेस्टिंग हेयर स्टाइल्स की वीडियोस मेरे चैनल पे डे बाय डे मिलते रहते हैं, मेकअप टिप्स भी मैं देते रहती हूँ बीच बीच में, ब्यूटी टिप्स, मेकअप टिप्स, तो आप वो सब भी देखा कीजिए। कल वाली वीडियोज में, परसों वाली वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे करते हैं क्या बोलते हैं सॉरी मेकअप स्टार्ट कैसे करते हैं एंड कैसे आपको आईब्रो फील करना चाहिए,
क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, किन बातों का ध्यान रखना होता है, सब कुछ पूरा डिटेल में बारीकी से बताया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके चेक कर लीजिएगा। वन सेकेंड गाइस, एक सेकेंड, कोई कस्टमर आ गया है मेरा, सॉरी। इधर का जैसे हमने बनाया है सेम उसी तरीके से दूसरी साइड का भी बनाया है, एंड इसको ऊपर की तरफ से लेके जाएंगे, और जैसे इधर से हमने कवर किया था हेयर को वैसे ही दूसरी साइड से कवर करेंगे, और नीचे की तरफ से लाके यू पिन से इसको सेट कर देंगे। यू पिन या बॉबी क्लिप, जो भी आपकी चॉइस है, आपको जो यूज करना है आप कर सकते हो। तो इसका जो फाइनल लुक है वो कुछ इस तरीके का आएगा, और ये काफ़ी अट्रैक्टिव एंड स्टाइलिश लगता है। इसको आप लहंगे के साथ और गाउन के साथ ब्राइडल पे, दुल्हन पे भी इसको ट्राई कर सकते हो। तो आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। आई होप कि पसंद आया होगा वीडियो, और सेंटर में एक यूपिन ज़रूर लगाएगा जैसे कि अच्छे से अटैच हो जाए और अपनी जगह से हिले नहीं। तो ये था आज का हेयर स्टाइल, कैसा लगा आपको आज का हेयर स्टाइल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा, और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत इजी है, बहुत आसान तरीके से इतना खूबसूरत सा आप बन बना सकते हो अपने गाउन ड्रेस के लिए, ब्राइडल्स के लिए, लहंगे के लिए, जो भी ड्रेस आप डाल रहे हो इसमें दो चार यूपिंस और ऐड कर दीजिएगा ताकि अच्छे से अपनी जगह पर टिका रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।